नमस्कार दोस्तों, जब कोई जाता है तो इसका मतलब है कि कोई और आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KB राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 19 मई दिन शुक्रवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियाँ मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज शुक्रवार है, लक्ष्मी माता का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 19 मई 2023 दिन शुक्रवार। आज की तिथि अमावस्या। आज का नक्षत्र है वर्णी नक्षत्र। पद चल रहा है कृष्ण पद। दोस्तों आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:28 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 7:06 पे। दोस्तों आज का शुभ समय सुबह 10:42 से दोपहर 12:17 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय दोपहर 3:40 से शाम 4:16 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है गुलाबी। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक नीति ज्ञान के बारे में। चाणक जी कहते हैं कोयल से सीखें जीवन का अमूल्य ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, कोयल अपनी मधुरता के लिए पहचानी जाती है और उसकी आवाज़ सुनकर सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन यह कम लोग जानते हैं कि जब तक कोयल अपनी प्रख्यात मधुर स्वर के लिए कंठ को तैयार नहीं कर लेती तब तक वह मौन अवस्था में रहती है। इसी प्रकार मनुष्य को भी केवल मुख से मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि मधुरता से समाज में प्रेम बढ़ता है और सभी लोगों में सद्भाव की भावना उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आज का चाणक नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों पुरानी परियोजना की सफलता आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। नौकरी पेशा से जुड़े लोगों को आज धन की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन बीते दिनों में किए गए फिजूल खर्च के कारण उनके पास पर्याप्त धन ना होगा। यह परिवार में दबदबा बनाए रखने की, अपनी आदत को छोड़ने का समय। जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले। आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबक साबित होगा। जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिय को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र के नजरिए से आज का दिन आपका है, इसका भरपूर फायदा उठाएं। जिन लोगों के घर वाले शिकायत करते हैं कि वो अपनों को पर्याप्त समय नहीं देते, वो आज देने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसी समय किसी काम के आने की वजह से ऐसा ना हो पाएगा। बिन बुलाए किसी मेहमान की वजह से आपकी योजनाएं तो गड़बड़ा सकती हैं, लेकिन आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा। साथ ही आपको बताएं, आप विलासिता भरा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी।
आपकी रचनात्मकता और आपके राजनीतिक गुण आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। व्यवसायिक डर अपने दिमाग से निकालकर अपने काम का आनंद लें, सफलता जरूर मिलेगी। आपके प्रिय रिश्ते आज आपके उदास जीवन को रंगीन बनाएंगे। आप अपने रोमांटिक जीवन और साथी के मुद्दों को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं। दोस्तों, चीज़ों को ट्राई करें और अगर कुछ नहीं जानते तो उसे सीखने का प्रयास करें। मनोरंजन, आनंद और आराम, आज आप दिन इन्हीं तीन चीज़ों में निहित रहेगा। रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है और इसके लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। प्रेम संबंधों में आई समस्या को रबड़ की तरह ना खींचें, बल्कि जल्द ही इन्हें सुलझा लें। आज आप रिश्तों को सुधारने में अधिक समय व्यतीत करेंगे, इसीलिए अपने हमसफर से बात करें और उनके साथ कुछ सुकून के पल बिताएं। आपका करिश्मा, समर्पण और मेहनत सबका दिल जीत लेगी। रिश्ते में कोई समस्या है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि दोस्त ही हैं जो आपको पूरी तरह से समझेंगे और आपको सही राय देंगे। साथ ही आपको बताएं, दोस्तों, पिछले सप्ताह में तनाव के साथ साथ चिंता के कारण होने वाला आपका मानसिक तनाव आपके लिए काफ़ी तकलीफ का कारण बना हुआ है। इस समय आपकी बाहरी स्थितियों के बदलने की तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती, तब भी आप अपने मानसिक तनाव में कमी कर पाएंगे। यह कमी आपके अपनी विचारधारा और अपनी जॉब तथा संबंधों में समस्याएं सुलझाने के तरीके को बदलने से आई हैं, इसीलिए इसको शांति और उपलब्धि की भावना महसूस के द्वारा आप इसे कंप्लीट करें, ताकि आपको मनस्थिति को संभालने में सहायता मिले। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे प्रेमियों में से छांट कर किसी एक को चुनने की कोशिश में अधिक समय व्यर्थ ना करें। आपका व्यक्तित्व इतना आकर्षण है, लेकिन इस समय आपकी किस्मत के साथ ना देने के कारण आपका जादू काम नहीं कर रहा। जब आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आपने बिल्कुल ठीक किया। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और कैरियर की, तो दोस्तों आपको आज आपके कार्य क्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के बहुत समीप है उनसे मिल सकता है। अगर आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको उड़ती हुई धुंध को हटाना और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्य क्षेत्र जा रहा है। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।